हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम माउंट किट्टा जी स्कूल. सो इन द प्रीवियस वीडियो सेशन आई हैव टोल्ड यू अबाउट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. तो एक बार दोबारा कर लेते हैं बच्चे. तो कंप्यूटर हैज़ मेनली थ्री टाइप्स ऑफ पार्ट्स: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. देन वी हैव रेड कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेज होती हैं. कीबोर्ड, जिसमें बहुत सारी कीज होती हैं जिससे कि हम लेटर्स एंड नंबर्स टाइप करते हैं. देन वी आर हैविंग माइक्रोफोन, माइक, जिससे हम आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं अपनी. एंड देन वी आर हैविंग माउस, जिससे हम किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर. देन वी हैव डन आउटपुट डिवाइसेज. तो वी हैव डन मोनीटर, जो टीवी की स्क्रीन की तरह दिखता है. जो भी रिजल्ट आता है, आउटपुट आती है, टाइप टेक्स्ट, है ना, वो हमें कहाँ पे दिखता है? मोनीटर पे. सेकेंड इज प्रिंटर. अगर हमने जो हमारा रिजल्ट आया उसको पेपर पे उतारना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस. ठीक है. देन वी हैव डन हेडफोन्स, जिससे क्या है, हमें गाने सुनते हैं. पर इसमें गाने उसी को ही सुनते हैं जिसके कानों में ये लगा होता है, सबको नहीं सुनाई देते. देन वी हैव डन स्पीकर्स, जिससे सबको गाने सुनाई देते हैं, है ना. तो उसके बाद हमने की बच्चा स्टोरेज डिवाइसेस, कि अगर हमने कंप्यूटर में कुछ डाटा सेव करके रखना है तो वो कहाँ पे रखेंगे. तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इज हार्ड डिस्क. ये कंप्यूटर में ही, CPU में ही इनबिल्ट होती है बच्चे, उसमें ही पहले से ही होती है. ठीक है, रिक्टेंगुलर होती है, इसमें बहुत सारा डाटा सेव कर सकते हैं. देन वी हैव डन CD एंड DVD. एंड एट लास्ट वी हैव डन पेन ड्राइव बच्चे. ठीक है, जो बहुत छोटी सी होती है, पोर्टेबल होती है, जिसको कहीं भी लेके जा सकते हैं. राइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन 1, फिलिंग द ब्लैंक. क्वेश्चन नंबर 1 इज फिलिंग द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ हिंट गिवन बिलो. तो फर्स्ट रीड करेंगे, CD स्टैंड फॉर डैश. तो CD, C का मतलब कॉम्पैक्ट और D का मतलब डिस्क. तो CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क. दिस इज फर्स्ट वन. ठीक है, देन रीड सेकेंड वन. द डैश डिवाइसेज आर यूज टू एंटर डाटा इन अ कंप्यूटर. हम किसमें, किसकी हेल्प से कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं? इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से ना. तो व्हाट विल कम? इनपुट. ठीक है, नाउ रीड थर्ड वन. अ माउस हैज डैश बटन्स ऑन इट. माउस के ऊपर कितने बटन होते हैं? 2. तो हमने यहाँ पे लिखा है 2. राइट, नाउ रीड फोर्थ वन. अ माइक डैश इज यूज टू रिकॉर्ड आर वॉइस. हम वॉइस किस में रिकॉर्ड करते हैं बच्चे? माइक में. माइक में बोलते हैं ना, तो माइक को क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन. माइक्रोफोन, तो फोर्थ का आंसर है माइक्रोफोन. यस, ओके. फिफ्थ वन, डैश डिवाइसेज आर यूज टू डिस्प्ले द फाइनल आउटपुट. फाइनल आउटपुट, फाइनल रिजल्ट हमें कहाँ पे दिखता है? कहाँ पे दिखता है? आउटपुट डिवाइसेस पे ना. तो यहाँ पे क्या आएगा? आउटपुट. यहाँ पे क्या आएगा? आउटपुट. ठीक है, नाउ अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट. CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क. द डैश डिवाइसेस आर यूज टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम. इनपुट डिवाइसेस. अ माउस हैज डैश बटन्स ऑन इट. 2. अ डैश इज यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस. माइक्रोफोन. डैश डिवाइसेज आर यूज टू डिस्प्ले द फाइनल आउटपुट. आउटपुट डिवाइसेज, राइट. तो नाउ वी आर गोइंग टू डू बच्चे आर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ट्रू फॉल्स, राइट. तो फर्स्ट वन रीड करेंगे, आउटपुट डिवाइसेज आर यूज टू डिस्प्ले द फाइनल रिजल्ट. क्या जो आउटपुट डिवाइसेज हैं वो फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज की जाती हैं? हाँ जी, तो आंसर इज ट्रू. फाइनल रिजल्ट ही दिखाते हैं ना आउटपुट डिवाइसेस पे. नाउ रीड सेकेंड. स्पीकर्स आर यूज टू रिकॉर्ड साउंड.
स्पीकर से हम रिकॉर्ड करते हैं साउंड? नहीं, स्पीकर तो हमें आवाज़ सुनाता है, बच्चे रिकॉर्ड तो नहीं करता ना, रिकॉर्ड तो माइक्रोफोन करता है। मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ मूव टू थर्ड वन। अ प्रिंटर शोज द टेक्स्ट ऑन द मॉनिटर। प्रिंटर हमें मॉनिटर पे टेक्स्ट शो करता है? नो, प्रिंटर तो हमें प्रिंट आउट देता है, मॉनिटर पे टेक्स्ट तो हमें प्रिंटर नहीं शो करता, तो मीन्स दिस इज फॉल्स। ओके, फोर्थ वन, इंकजेट इज अ काइंड ऑफ प्रिंटर। यस, इंकजेट क्या है? प्रिंटर की काइंड है। फिफ्थ क्वेश्चन, अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 105 कीज। फॉल्स, बच्चों उसमें 105 कीज नहीं होती है, 104 होती है। ठीक है, ओके। सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, दैट इज आर मैच द पार्ट। जस्ट वेट। सो नेक्स्ट करेंगे अभी हम मैच द पार्ट। देखिए, फर्स्ट वन इज पेन ड्राइव, आपने देखना पेन ड्राइव कहाँ है पिक्चर में, ये रही, तो इसको पेन ड्राइव से मैच कर देना है। देन वी आर हैविंग माउस, तो माउस से मैच कर देना है। ठीक है, स्पीकर्स कहाँ है, ये रहे स्पीकर, स्पीकर से मैच कर देना है। देन हेडफोन, हेडफोन से मैच कर देना है। दिस साइड वी आर हैविंग मोनिटर, मोनिटर किसकी तरह लगता है, टीवी की तरह, तो इन दोनों को मैच कर देना है। देन वी आर हैविंग माइक्रोफोन, ये रहा माइक, इससे मैच कर देना है। देन वी आर हैविंग CPU, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये रहा इससे मैच कर देना है। देन ये रही हार्ड डिस्क, तो ऐसे बच्चे आपने इनको मैच कर देना है। कैसे मैच करना है, अगेन आई एम टेलिंग यू, पेन ड्राइव को पेन ड्राइव की पिक्चर के साथ, माउस को माउस की पिक्चर के साथ, स्पीकर्स को स्पीकर्स की पिक्चर के साथ, हेडफोन्स को हेडफोन्स की पिक्चर के साथ, मॉनिटर को मॉनिटर की पिक्चर के साथ, माइक्रोफोन को माइक्रोफोन की पिक्चर के साथ, CPU को CPU के साथ, एंड हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क के साथ। राइट, तो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फोर, दैट इज बच्चे टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। सो लेट स्टार्ट विद फर्स्ट वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू स्टोर डाटा। बच्चे हम जो ऑप्शन दिए हैं, कीबोर्ड, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क, इसमें से क्या नहीं यूज करते डाटा सेव करने के लिए? ऑल यू नो वॉट इज दैट? यस, कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड से हम डाटा एंटर करते हैं, सेव तो नहीं करते ना। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकेंड, द प्रिंटेड कॉपी ऑन अ पेपर इज कॉल्ड द, जो एक वट एवर वी हैव टाइप्ड इन द कंप्यूटर, जब हम उसको पेपर पे लेके आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिंटर से जो प्रिंट आउट निकलता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? हार्ड कॉपी। क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। राइट, नाउ रीड द थर्ड वन, अ डैश हेल्प्स इन प्लेइंग एंड ड्राइंग पिक्चर्स। किससे हम गेम खेल सकते हैं और ड्राइंग बना सकते हैं? माउस, विद द हेल्प ऑफ माउस। राइट, नाउ रीड फोर्थ वन, अ डैश इज यूज फॉर टाइपिंग लेटर्स, वर्ड्स एंड नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। किससे करते हैं टाइपिंग हम? कीबोर्ड से, कीबोर्ड से। राइट, नाउ रीड फिफ्थ वन बच्चे, अ डैश इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव। राइट, चलो नाउ वी आर मूविंग टू बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ई, आंसर द फॉलोइंग। सो नेम द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। शुरू में मैंने आपको बताया था बच्चे, कंप्यूटर के थ्री मेन पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, तो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। नेक्स्ट वी आर हैविंग बच्चे, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। आप देखो किस चीज से, किस पार्ट से कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो भी आइटम होते हो उसको पॉइंट करते हो या सिलेक्ट करते हो? कीबोर्ड की हेल्प से? नहीं। प्रिंटर की हेल्प से? नहीं। विद द हेल्प ऑफ माउस, विद द हेल्प ऑफ माउस। राइट, ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन,
विच स्टोरेज डिवाइस इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स? कौन से स्टोरेज डिवाइस बच्चे सीपीयू में ऑलरेडी होती है? हार्ड डिस्क। विच वन? हार्ड डिस्क, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर लुक्स लाइक अ टीवी? टीवी की तरह कौन सा पार्ट दिखता है बच्चे कंप्यूटर का? मॉनिटर। कौन सा दिखता है? मॉनिटर, राइट। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, नेम द डिवाइस विच इज यूज फॉर कॉपिंग डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। हम कौन सी डिवाइस यूज कर सकते हैं डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए या कॉपी करने के लिए? पेन ड्राइव। कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? पेन ड्राइव, राइट। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बच्चे अगेन माई एक्टिविटीज में जाके फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स हिंट। सी सम पिक्चर्स आर ड्रॉन हेयर, है ना, तो आपने उनकी हेल्प से नेम लिखने हैं। लाइक दिस इज मॉनिटर, तो मैम ने साथ में मॉनिटर लिखा है। दिस इज माइक्रोफोन, तो मैंने माइक्रोफोन लिखा है। दिस इज सीडी, तो साथ में मैंने सीडी लिखा है। ये है कंप्यूटर, तो मैंने लेंथ वाइज ऐसे कंप्यूटर लिखा है। दिस इज सीपीयू, तो मैम ने सीपीयू लिखा है। ये प्रिंटर है, तो मैंने ऐसे प्रिंटर लिखा है। ये है माउस, तो ऐसे आपने पिक्चर की हेल्प से बच्चे सबका नेम लिखना है, राइट। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग बच्चे बी क्वेश्चन, इसमें क्या है कि सर्कल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन द गिवन पिक्चर एंड राइट देयर नेम। जैसे मैंने फर्स्ट नेम लिखा है मॉनिटर, देखो मॉनिटर कहाँ है पिक्चर में, ये रहा, इसको हमने कर देना है सर्कल, राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग बच्चे कीबोर्ड, कीबोर्ड कहाँ है, ये रहा उसके नीचे, ये रहा कीबोर्ड, है ना, आपने लिखना भी और सर्कल भी करना है। देन वी आर हैविंग माउस, माउस क्या है उसके बिल्कुल बाद में, छोटू सा, है ना, देखो माउस पड़ा है ये रहा, राइट। देन वी आर हैविंग स्पीकर, कहाँ है स्पीकर, ये रहे, दीज आर द स्पीकर। देन वी आर हैविंग सीडी डीवीडी, कहाँ है देखो, ढूंढो ढूंढो कहाँ है, ये रही सीडीज एंड डीवीडीज, राइट। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग पेन ड्राइव, पेन ड्राइव कहाँ है, ये रही छुटकू सी पेन ड्राइव, राइट, ये रही बच्चे। देन वी आर हैविंग प्रिंटर, ढूंढो कहाँ पे है प्रिंटर, ये रहा, यस दिस इज प्रिंटर। देन स्कैनर, दिस इज स्कैनर बच्चे, जिससे हम क्या है फोटो स्टेट होती है ना जैसे, वैसे होता है स्कैनर, पेपर पे कुछ भी है हम उसको कंप्यूटर में लेके जा सकते हैं, दैट इज स्कैनर। लास्ट इज यूपीएस, वेयर इज यूपीएस, ये रहा यूपीएस, बाय चांस लाइट चली जाए तो ये कंप्यूटर को 15 मिनट्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी देता है, ठीक है, इसको चार्ज करना पड़ता है। सो दिस मच फॉर टुडे बच्चा, कंप्लीट योर वर्क, डू बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। दिस वॉज योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम माउंट लिटरेसी स्कूल, थैंक यू।